तो हम जानते हैं कि जिस तरह हमारी अर्थ, मार्स और बाकी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द तवाफ में मुस्तगरिक हैं, इसी तरह हमारा सूरज और उसके साथ अरबों दूसरे सितारे गैलेक्सी के सेंटर में पड़े ब्लैक होल के गिर्द महवे गर्दिश हैं। लेकिन क्या गैलेक्सी के सेंटर में पड़े इस ब्लैक होल को भी वही फजीलत और फौकियत हासिल है जो कि सोलर सिस्टम में हमारे सूरज को? इस बात को जानने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ वी रिमूव ब्लैक होल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। अगर हम अपने महरे ताबा की बात करें तो सोलर सिस्टम के कुल मैस का 99.86% का मालिक सिर्फ हमारा खुर्शीद महरे ताबा है और बाकी पूरे सोलर सिस्टम के तमाम हिस्सा जिसमें हमारी ज़मीन, मरीख और कई एस्ट्रॉइड्स वगैरह मौजूद हैं उनका मैस 0.14% है। यानी सोलर सिस्टम में सूरज का मैस इतना ज़्यादा है कि वो ज़मान के पर्दों पर एक ऐसा कर्व जनरेट कर देता है जो कि बकिया तमाम प्लैनेट्स को एक मदार में रोटेट करवाते रहने का ज़ामिन है। दूसरी जानिब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में पड़ा ब्लैक होल गरचे सूरज से 40 लाख गुना बड़ा तो है, लेकिन हमारी गैलेक्सी सूरज से तकरीबन 60 अरब गुना बड़ी है। यानी कि अगरचे हमारा ब्लैक होल बहुत बड़ा है लेकिन अपनी गैलेक्सी के एतबार से ये उसके मैस का सिर्फ 0.01% है, जिसे रिमूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल को रिमूव कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हम अपनी ज़मीन से उसका 0.01% मैस उठा के निकाल दें तो ज़मीन की रोटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर वो अजसाम जो ब्लैक होल की बिल्कुल विसिनिटी में उसकी हमसाईगी में रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ मुतासिर होंगे और वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर गैलेक्सी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ये तो थी निस्बतन एक छोटे ब्लैक होल की बात, बट व्हाट्स अबाउट द ब्लैक होल ऑफ M87 जिसका ब्लैक होल हमारे सूरज से तकरीबन 6.5 अरब गुना बड़ा है? क्या इसे रिमूव करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गरचे ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है मगर अपनी गैलेक्सी के एतबार से इट हैज़ अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन, जिसे रिमूव कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम अपनी काबिले मुशाहिदा कायनात में मौजूद तमाम गैलेक्सीज़ और उनके ब्लैक होल के मैस के रिलेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे बनेगा जो कि हमें बताता है कि हर गैलेक्सी का ब्लैक होल उसमें तकरीबन 0.01% से 0.1% मैस का ही इजाफा करता है, जिसे रिमूव कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट्स अ वेरी टाइनी फ्रैक्शन। अलमुख्तसर के किसी भी गैलेक्सी के ब्लैक होल के रिमूवल से उस गैलेक्सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो के इख्तिताम से पहले आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े ब्लैक होल का इस्तखराज हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं करने वाला तो फिर मैं और आप किस ज़ोन में मुब्तला रहते हैं?